ना ट्रेन ही रुक गया है, ये ना रास्ता भूल गया है। चला हाजी आ गए, अब हाजी क्यों मुझे लेने आने के लिए, ये भी आए थे माशाल्लाह से उमरा के लिए, लेकिन ये छुपे रुस्तम थे हमने मक्के का ट्राई करा, हमने मदीने का ट्राई करा, आज हम जद्दे का ट्राई करने वाले हैं। लोग पता नहीं कहाँ गए हुए थे, और ये देखो क्या लेकर आई हो आप, टिश्यू निकाल ली, क्या निकाली जा रही है, आराम से बिना आराम से गिर जाएगा आराम से। OMG, इस लड़की को ना हर जगह शॉपिंग करनी होती है। अब ये क्या लेकर आई है, फूड है, दिखाओ तो, दिखाना मम्मा को। अरे एक फोटो थंबनेल के लिए तो लेने दिया कर। चलो खास के लिए एयरपोर्ट में क्या क्या दिया दिखाना, नाइफ दिए, फॉक दिया, मेरी बच्ची ने हाथ से ही खा रही है, बेचारे का पोस्टमार्टम कर रहा है इतने सी चीज का, देखो और देखो क्या क्या मिला है इसके साथ, ये देख तो लो इतनी बढ़िया है, छुरी दे दी इसने इतनी महंगी, अरे कुछ भी खोल दिया इसने, OMG देखने में तो डिलीशियस लग रहा है, पर साइज ना गाइस इसका इतना है जितना हमारे मोती चूर का लड्डू होता है ना, वो भी इससे बड़ा होगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब ये यहाँ पे ये टाइम पास करेंगे सारे एयरपोर्ट पे, कभी कुछ लेकर आएंगे कभी कुछ, टाइम पास कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट फैक्टर है, खाना देखो उसे खाओ, सारी जॉब देगी अब कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है भाई, ये फ्री तो। सो गाइज यहाँ मैं आ गई थी नमाज पढ़ने, ये प्रेयर रूम है एयरपोर्ट पे ही, और थोड़ा सा थके हुए भी हैं तो सोचा यहीं सो जाते हैं, तो लाइट्स ऑफ थी, मज़ा आ रहा था, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ले ली थी सेल्फी इंस्टाग्राम के लिए, और इधर स्टार्ट हो गया है हमारा बैगेज। ऐसे लगेज हो चुका है और अब जो है बोर्डिंग पास भी मिल चुका है, एंट्री करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन हो गई है, अब बस बैठने की देर है और उड़ान भरने की देर है, और हम होंगे आपके पास इंशाल्लाह, और जल्दी जल्दी से रोज़ डेली ब्लॉग्स शेयर करेंगे फिर इंशाल्लाह, प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और फिलहाल जो है हस्बैंड जो है यहाँ से अपने लिए देख रहे हैं परफ्यूम्स वगैरह, इनको पता नहीं क्यों इतनी खुशबुओं से प्यार है, मुझे समझ नहीं आता, इन पर ऑब्सेशन है, इन पर इतने परफ्यूम्स हैं, इतने अतर्स हैं, लेकिन जहाँ इन्होंने खुशबू देखनी ये रुक गए, देखो जलवा है हमारा, स्टॉप वहीं स्टॉप, जैसे हम लड़कियाँ ज्वेलरी को देख के स्टॉप हो जाती है ना, मेकअप्स को देख के, ये लड़के लोग हैं ना, ये अपना ये देखो, चले गए आधा घंटा अब हमारा। सो गाइस अब जा रहे हैं, और ये लिफ्ट देखो जरा, लोग जद्दा की टाइम मशीन वाली लिफ्ट है, इससे हम 2030 में पहुंच जाएंगे। आ जाए रेस्टोरेंट, और इनको अब भी यहाँ खाने की लग रही है, अब भी अलबेग को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। यस अलबेग, अब भी कह रहा है अभी अलबेग खाना है सुबह के 6 बजे, भूख ऐसे लग रही है भाई, भूख लग रही है, अलबेग खाना है अलबेग। अब हम यहाँ का भी ट्राई करते हैं, हमने मक्के का ट्राई करा, हमने मदीने का ट्राई करा, आज हम जद्दे का ट्राई करने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा बने फोन आ रहा था, वो बोलने थी मुझे आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ फ्लाइट करके। अब्बा कह रहे थे आपके थे अब्बा से, मैं अब्बा से कह दी थी अब्बा मैं आपके घर आ रही हूँ मिलने, फिर वो बोल तो आप तो अब्बा के घर में रहती हो मिलने कैसे, फिर वो बोले थे फिर हम नंदन वन चलेंगे है। और ये क्या है यार तुके हाथ में, फिश खाओ ये खाओ कोई मना नहीं कर रहा, माय फेवरेट नगेट, सो गाइस टेस्ट की बात करूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टेस्ट है, कोई टेस्ट में वो नहीं है चेंजेस, ये जो ढंग की आवाज़ थी वो इसमें से आई थी, घबराए नहीं आप, तो बस इसके बारे में क्या ही बोलूँ, आप समझ जाओ देख के, अब खाने दो बाद में मिलता है।
बग्गी आएगी यहाँ पे, वीडियो बनवानी है। हाय यार, एटीएम फूड कोर्ट। जब मैं यहाँ से आई थी दिल्ली से, जब तुम्हें दिखानी पड़ी थी हमारा एरोप्लेन, तो हमारा वाला जो एरोप्लेन है ये है बोइंग 777 है समथिंग, 43 बता, तो यही है हमारा सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का। हमारे लिए रेडी हो रहा है, देखो सारे यहाँ पे बोइंग ही खड़े हैं, यहाँ पे लगते सारे सऊदी एयरलाइंस, सऊदी एयरलाइंस और बाकी एयरलाइंस के पीछे लगते हैं, सऊदी एयरलाइंस के यहाँ लगते हैं, बाकी सब मतलब सबसे नहीं जाना, सबसे जो वो मतलब ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है हमारा ये सऊदी की वजह से हमें प्रोटोकॉल मिलता है, हम डायरेक्ट एंटर करते हैं, वरना बस से लोगों को जाना पड़ता है। बस बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह से फजर की नमाज से भी खारिज हो चुके हैं, नमाज पढ़ ली है, अब बस थोड़ा सा वेट करना और बाकी रहता है, फिर इंशाल्लाह फ्लाइट टेक ऑफ होगी, क्योंकि अभी तकरीबन 7-8 बजे हैं, 7-8 मतलब लाइक 7:45 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं, मैंने टाइम देखा, हाँ 7:45 ही हो रहे हैं। तो फिर ना फिर इंशाल्लाह फिर चलेंगे, हस्बैंड अपने प्रेयर रूम में, मेल प्रेयर रूम में, मैं वुमेन प्रेयर रूम में अपना नमाज पढ़ करना सुला के बैठ चुकी हूँ। ये वाला है अपना प्लेन डबल डेकर वाला, देखो उसके ऊपर अभी ये लोग नीचे भी हैं, देखो है ना, सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से बैठ चुके हैं और निकलने वाले हैं, अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसके फिर से पीपनी स्टार्ट हो गई, कोई गर्म है मुकररीन व इन्ना इला रब्बुना लमुनकलिबून, अल्लाह से पाक सफर आसान करे। اليوم الحزام ادخل بهايتين المعدنيتين في بعضهما لفك الحزام ارفع اللسان المعدني ثم افصل بهايتين to fasten the belt insert the metal tab into the buckle to release lift the metal flap and detach all here ثم تضع على سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في Oh.
रास्ता भूल गए, जो हमें दिल्ली शहर में आके ना अपना रास्ता भूल गए, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ। हम लैंड तो हो चुके हैं बट हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन है ना मतलब जो पायलट है वो अपना रास्ता भूल गया। ये होता है ना, ये कनेक्ट होता है जिससे हम लोग वहाँ पे जाते हैं। पहले से तो ना फिल्मों में दिखाते हैं कि एरोप्लेन की सीढ़ी से निकल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है फिर जाते हैं। इंडियन एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। इंतज़ार कर रहे हैं लगेज का, लगेज के अंदर ना बहुत टाइम लग जाता है, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा और सब आए हुए हैं, फ़ोन पे फ़ोन आया कि हम आ चुके हैं बहुत पहले से हमारा वेट कर रहे हैं, तो मेरे घर से भी आए हुए हैं, मेरे ससुराल से भी, सब बाहर आके हमारा वेट कर रहे हैं और लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमसे मिलेंगे, हम भी उतने एक्साइटेड हैं पर हम ना इस लगेज की वजह से क्लियरेंस की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। चलें जल्दी से हो जाए, जल्दी से जाऊँ बस, मेरे को खुद की मुझे खुद तड़प हो रही है सबसे मिलने की। तो भाई सारे फैंस खड़े हुए हैं मेरे, देखो कितने सारे फैंस हैं। काय मम्मी काय वागे वागे मूसा को बनाएंगे तो मिलिट्री वाला लगा फाइज तो लंबा हो गया इन दिनों में। तुम छोटी हो गए, चल चल के घिस गई। इतना नहीं चल रहा, इन्हें ट्रॉली में बिठा दो थोड़ी देर, हाइट बच जाती। तूने कुछ करा है, हो गई तूने कुछ करा है। लेने आने के लिए ये भी आए थे माशाल्लाह से उमरा के लिए, लेकिन ये छुपे रुस्तम थे, थोड़े से ना लंबे होकर आए। मैं तुम्हारी बैग में छुपा हुआ था, तुम्हें बाद में पता चल गया भाई। लेकिन एक बाबा था माशाल्लाह स्मार्ट हो गया, तो 15 दिन में क्या कर दिया तुमने, दुआ करी थी ना वाली दुआ बताना मत, स्पेशल दुआ। परी कहां से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, गोरी तोयू का सन्ना, तोयू का सन्ना, तोयू का सन्ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो सारा मूड खराब कर दिया। हाजियों के सामने गंदी बात कर रहा। चलो हाजी आ गए, अब हाजी जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द खुशखबरी देंगे, है ना इंशाल्लाह। आमीन आमीन। सो गाइस एक पंगा हो गया था जब मम्मी पापा तो आ गए थे, हमारे सास ससुर हमारी नन भी थी साथ में, हमें वो भी लेने आई थी, बट वो जो है ना अलग ट्रैक पे चली गई थी, एयरपोर्ट पे रुकने नहीं दे रहे थे उनकी गाड़ी, तो फिर वो जब मिली तो मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरा वेलकम करा था, सास ने, नन ने, आयरा ने, माशाल्लाह से ससुर ने, सब कंठेले वगैरह लेकर आए थे, बट मैं शूट नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना मेमोरीज बनती हैं, उसको ज़रूरी नहीं है कि कभी हर वक्त दिखाया जाए। और उधर सब आ गए थे घर पर,
सबको हम घर पे ही ले आए थे, मम्मी पापा भी घर पर ही थे, आ गए थे, सबने कहा था कि खाना वाना सब साथ में खाना, घर में बना हुआ है। अजी जी जब भी सो गाइस बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लग गए थे खाने शाने, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना रखा था मेरी सास ने हम सबके लिए, बहुत मज़ा आया साथ में बैठ के इतने दिनों बाद खाए, क्योंकि वहाँ तो तरस गए थे। देखो फैमिली फैमिली होती है, अपना घर अपना होता है, चाहे कितने दूर चले जाओ, लेकिन हाँ फैमिली फैमिली होती है, इस बात का मैं मानती हूँ। और माशाल्लाह से सबने बहुत अच्छे से वेलकम करा, सबका मैं बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू कह रही हूँ। अगर वो ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं सबको, अपनी पूरी फैमिली को, जो जो मुझे लेने आए थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा अच्छा वेलकम करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ लोग नहीं भी आए तो उनका भी थैंक यू। देखो हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, वेलकम भी बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।